एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 3 इंग्लिश यूनिट 6 पोएम ट्रेन्स की वर्कशीट एंड एक्टिविटी शीट। इससे पहले इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, उसमें आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन, रेसिटेशन, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस का लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट और एक्टिविटी शीट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वर्कशीट बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी राइटिंग क्या करना है। इसमें राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। पोएम में से मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको लिखने हैं। ये देखिए, प्लेन्स, प्लेन्स का राइमिंग वर्ड फाइंड आउट कीजिए, आपके पोएम में मिल जाएगा। ऑन, मेल एंड कार, ठीक है, सभी वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स आप लिखेंगे पोएम में से फाइंड आउट करके। नेक्स्ट, सर्कल द थिंग्स दैट यू फाइंड ऑन अ रेलवे स्टेशन। आपको मैंने कुछ ही थिंग्स दिए हैं, इसमें से जो भी रेलवे स्टेशन पर आपको मिलते हैं उन्हें सर्कल करना है। अगर आपने आज तक रेलवे स्टेशन विजिट नहीं किया है तो एक बार जाकर अपने किसी बड़े के साथ विजिट करके आइए, देखिए क्या क्या होता है वहाँ। टिकट, कहीं भी जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, टिकट होती है। बस, बस बस स्टॉप पे मिलेगी। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स जो भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको पैसेंजर्स बोलते हैं, पैसेंजर्स मिलेंगे। कुली, कुली कौन होता है बेटा? कुली हमारी तरह ही एक पर्सन है जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे लगेज उठाने में, इसके लिए वो पैसे लेता है। अगर हमारे पास लगेज ज़्यादा है और हम नहीं उठा पाते हैं तो हम उसे हायर करते हैं, उसके बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में वो जहां तक हम कहेंगे हमारा सामान छोड़कर आता है, ठीक है। एस्केलेटर्स, एस्केलेटर्स क्या होती हैं? मेट्रो स्टेशन पर भी देखा होगा, स्वचालित सीढ़ियां जो अपने आप ऊपर आप चढ़ जाते हैं उनको एस्केलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगी। शिप, पानी वाले जहाज, पानी वाले जहाज तो नहीं मिलेंगे, इसे सर्कल नहीं कीजिएगा। टी स्टॉल्स, टी स्टॉल्स आपको हर स्टेशन पर मिलेगा, चाय वाय की दुकानें हैं छोटे छोटे, सब स्टेशन पर मिल जाएंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन तो एयरपोर्ट पर मिलेगा, इसे भी सर्कल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया, अब देखिएगा आपको रेलवे स्टेशन पर क्या क्या मिला उसे सर्कल कीजिएगा, जो नहीं मिला उसे सर्कल नहीं कीजिएगा। आगे चलते हैं, सर्कल द ऑड वन आउट। क्या है ये? देखिए, मेल, फेल, टेल, सभी ये राइमिंग वर्ड्स हैं, बट कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट का डिफरेंस मैं बता देती हूँ। देखिए, ये आई एल और आई एल से एंड हो रहे हैं, ये एल ई से एंड हो रहा है, तो ये हम इसको सर्कल करेंगे। इसी तरह से आप सभी में कुछ डिफरेंस नोट करेंगे और जो डिफरेंस ऑड आपको लगता है वर्ड उसको सर्कल करेंगे। लोड, कोड, रोड, क्रेन, प्लेन, ट्रेन, डॉन, लॉन, ऑन, ग्रे, डे, वे, ठीक है। फाइंड आउट द डिफरेंस एंड सर्कल द ऑड वन आउट। नेक्स्ट, राइट 10 वर्ड्स रिलेटेड विद ट्रेन्स। ट्रेन्स के बारे में जब भी सोचते हैं आपके दिमाग में जो भी 10 चीजें आती हैं, 10 वर्ड्स आते हैं, वो आप यहां लिखिए। देखिए, टिकट है, इंजन है, ट्रैक्स हैं, ठीक है, कोचेज हैं, सीट्स हैं, बर्थ है, चेन है, चेन पुलिंग के लिए भी तो होता है ना, और फैन है, फैन होता है आपके ट्रेन में, विंडो है, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में 10 वर्ड्स आते हैं ट्रेन को इमेजिन करके, वो आप वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने कॉम्पिटेंसी चेंज किया है, इसकी कॉम्पिटेंसी है अब स्पेलिंग। एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड को आपको सर्कल आउट करना है। देखिए, सभी स्पेलिंग्स मैंने आपके चैप्टर में, पोएम में से ही दी है, आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं,
और सर्कल कर सकते हैं। ध्यान से सर्कल करना, क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस चेंज देकर मैंने स्पेलिंग में चेंज किया है। ठीक है, पैसेंजर्स पैसेंजर्स पैसेंजर्स, प्रीशियस प्रीशियस प्रीशियस, फ्रेट फ्रेट फ्रेट, कैरी कैरी कैरी, माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स। ठीक है, तो सभी जो वर्ड्स हैं वो आपके पोएम में दिए हुए हैं, वहां से मैच करके इन्हें सर्कल कीजिए। अब नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट, एक्टिविटी शीट। क्या करना है इसमें, देखिए, प्रिपेयर एन इंजन ऑफ अ ट्रेन यूजिंग शू बॉक्स एंड राइट फ्यू लाइंस अबाउट इट। आपको जो जूते वाला डिब्बा होता है उससे इंजन बनाना है। शू बॉक्स नहीं मिलता है तो कोई भी बॉक्स ले सकते हैं उसी शेप साइज का, और उसको यूज करके आपको एक क्या बनाना है, इंजन बनाना है। ठीक है, फिर जब आप इंजन बनाएंगे उसमें कुछ क्रिएटिविटी करेंगे तो उसके बारे में आप यहाँ पर कुछ लाइंस लिखेंगे। जब आप बनाएंगे आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि मैंने क्या क्या किया और इसके अंदर अब क्या क्या फीचर्स हैं, वो आप अपने आप यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पेस्ट अ ट्रेन और बस टिकट। एक ट्रेन की टिकट या फिर बस की टिकट आपको पेस्ट करनी है। ठीक है, चॉइस है आपके पास, कोई भी टिकट हो सकती है। पेस्ट करने से पहले उस टिकट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होती है। ट्रेन की अगर रिजर्वेशन टिकट है तो देखिए, लेफ्ट साइड में PNR स्टेटस होता है, PNR नंबर होता है, सॉरी। तो PNR नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिजर्वेशन टिकट ऑफ अ ट्रेन के लिए। इसी तरह से बस की टिकट के अंदर भी अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं, उनको नोट कीजिएगा, अच्छी से तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और फिर यहाँ पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही नॉलेजेबल एक्टिविटी है, आगे तक आपके काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।